हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल श्री वाजपेयी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस श्री राधे काऊ घी के 5 किलो के टिन पैक के घी का रिव्यू करूंगा। इसका पैकिंग का रिव्यू मैंने ऑलरेडी डाल रखा है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरिंग डेट की वो सब मैंने उसी में ही डिस्क्राइब कर दिया था। बहरहाल ये मेरा पैकेट इंडिपेंडेंस डे सेल में दिया गया है जो कि 10 अगस्त के करीब शुरू हुई थी और ये 30 जुलाई का प्रोडक्ट है। ये लगभग 1 साल तक रहता है और यही एक इंडिया में एक सेलर है जो कि इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए घी को भेजते हैं। और इनके प्रोडक्ट यूएस, यूके और यूरोपियंस और भी यूरोपियंस कंट्रीज में जाते हैं, जैसा कि मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके कही थी। ये परफेक्टली पैक्ड घी है। ऑलरेडी ये मुझे 15 अगस्त के करीब मुझे मिला था और आज लगभग 20 दिन के बाद भी ये लीक नहीं हुआ है। ये फुल पैक घी आया था और इसमें छोटा सा दिया हुआ है, शायद इसको ब्रेक करके ही हम भर पाएंगे। और ये मैंने शीशी रखी है ताकि आपको क्लियर कट मालूम हो सके कि किस तरह का घी है। और ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको खोलने के लिए और ये घी निकालने के लिए। इसको मैंने अगर होगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा। बहरहाल मैं 1 लीटर ही घी अभी निकालूंगा। चलिए देखते हैं इसको खोल के। ये देखिए इनका खोलने का ये है। ये मैंने हल्का सा यहाँ पे दबाव डाल के ही खोला था कैंची के थ्रू। उन्हें तो दबाव डाला और ये अपने आप खुल गया। ये इनका घी है। अभी देखते हैं कि प्योरिटी कैसी होती है। ये आप देख सकते हैं लीक ना करने पाए, इसलिए मैंने इन बोटल्स को इस्तेमाल किया है। क्वालिटी मेंटेन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं घी को टोटल फुल्ली अरोमा का है और ये इसका इंटरनल रहा है। अगर हम इसको देखें टेस्ट वाइज तो आप ये देखिए इसकी क्वालिटी। जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि ये गिर काऊ की दूध से बनाते हैं तो इसका कलर लगभग हल्का येलोइश है और ये इस समय थिक है, थोड़ा सा जेल फॉर्म में है क्योंकि यह लगभग 20-25 डिग्री टेम्परेचर में रखा गया है और ये मेटल शीट्स हैं तो उस टेम्परेचर को इसने अडॉप्ट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरे अमेज़न के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।